क्योंकि कर्म से किसान हैं और किसानों को किसानों की जो कमी है, किसानों के साथ जो हो रहा है, उस चीज़ का उन्हें चीज़ का एहसास है। करीबन 62% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो कृषि बिगर सब शून्य है। और मुझे पता है कि इस देश के किसान अन्नदाता की क्या पीड़ा है। यदि किसान की चिंता करते तो किसान की आज माली हालत ये नहीं रहती। और जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। अजमेर से नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का जयपुर में भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत कार्यक्रम पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी को पुष्प माला साफा पहनाकर उनको सम्मानित किया। वहीं भाजपा कार्यालय पर मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में चौधरी ने कहा, अन्नदाताओं के लिए विशेष कार्य योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। हम किसान हित के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश का किसान खुशहाल होना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा जनता दरबार से बातचीत में, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की टीम का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। और मैं किसान के एक साधारण परिवार में जन्म लिया है। मुझे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का जुम्मा दिया है। मोदी जी का सपना है कि इस देश का अन्नदाता किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए। और जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 5 साल है, ये किसान की समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमें जिम्मेदारी दिया, दायित्व तो दिया, हम ईमानदारी से उसको निभाएंगे। दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में ये देश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। जो 2014 के पहले 11वें पायदान पे था, आज ये 5वां पायदान पर है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तीसरे पायदान पर आने वाले हैं। ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा। और मैं कह सकता हूँ कि 2024 से 2029 तक 5 साल विकास की दृष्टि से इस देश के लिए ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दुनिया देखने आएगी इस देश को, मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम होंगे। वहीं जनता दरबार ने मंत्री के बेटे से भी खास बातचीत की है। किशनगढ़ भाजपा नेता सुभाष चौधरी का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में अजमेर को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाएंगे, कैसे समस्याओं का समाधान करना है इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत खुशी का, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। मोदी जी का हमें यही उद्देश्य रहा है कि सबको साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। और जो ये किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कोशिश यही रहेगी कि सेवा में कोई कमी नहीं आए। प्रदेश के किसानों को काफ़ी उम्मीद है। स्वाभाविक है क्योंकि कर्म से किसान हैं और किसानों को किसानों की जो कमी है, किसानों के साथ जो हो रहा है, उस चीज़ का उन्हें चीज़ का एहसास है। और कैसे किसान आगे बढ़े, जब क्योंकि हिंदुस्तान की करीबन 62% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो कृषि बिगर सब शून्य है। तो यही मोदी जी का रहेगा कि सबको साथ, सबको आगे ऐसे ही बढ़ाए। अजमेर से आते हैं और सबसे बड़ी बात है अजमेर में भी कई सारी समस्याएं हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ विजन है आगे? अजमेर के लिए सबसे बड़ा रहेगा कि आने वाले समय में अजमेर को कैसे स्मार्ट सिटी में और प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाए। और अजमेर में मुख्य ये है, पानी की जो समस्या है उसको कैसे, उसका कैसे समस्या का समाधान हो। और उसके अलावा अजमेर में कई ऐसी कंपनीज़ है, अपन कोशिश कर रहे हैं टाइल्स हब बने, एयरपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय बने। कई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट के कई इशू है, जो बड़े फ्लाइट लैंडिंग नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ का भी समाधान करेंगे। क्योंकि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बीजेपी की है, तो इस चीज़ से कड़ी मिलाकर इस चीज़ का समाधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि जयपुर के बाद कोई सबसे बड़ा कोई एयरपोर्ट होगा तो किशनगढ़ का होगा।